हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कुक विद ईशामित। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वीट एंड स्पाइसी ढोकला रेसिपी। ये एक गुजराती डिश है जिसे आप ब्रेकफास्ट टाइम या इवनिंग स्नैक्स के रूप में या फिर इनफैक्ट किसी भी टाइम खा सकते हैं, और ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले हम तैयार करेंगे बैटर, और बैटर तैयार करने के लिए हम यूज़ करेंगे मिक्सर ग्राइंडर। वैसे तो हम ब्लेंडर यूज़ करके मैनुअली भी बैटर तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसमें कभी कभी लम्प्स बनने के चांसेस होते हैं, तो उसी चीज़ को सिंपल करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मिक्सर ग्राइंडर। तो हम मिक्सी लेंगे और उसमें सभी कंटेंट्स को ट्रांसफ़र करके फटाफट से एक विस्क देंगे और सभी कंटेंट्स को मिक्स कर लेंगे। तो ये लिया है हमने मिक्सी जार, और इसमें सबसे पहले हम डालेंगे एक कटोरी बेसन। अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच चीनी, आधा छोटा चम्मच नमक, एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच सोंड पाउडर जिसे हम ड्राई जिंजर पाउडर भी बोलते हैं, और चुटकी भर हींग। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका ढक्कन बंद करके फटाफट से इसको एक दो बार व्हिस्क कर लेंगे। तो ये देखिए, अब इस घोल को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बोल में। तो घोल को बोल में ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसे चम्मच से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे बैटर की जो कंसिस्टेंसी है, बहुत ज़्यादा फ्लोई भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। तो इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम ढक्कन से ढक के साइड में रख देंगे लगभग 15-20 मिनट के लिए। तो जब तक हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है, तब तक हम दो काम कर लेते हैं। एक तो पानी गर्म कर लेते हैं और दूसरा ढोकले के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। पानी गर्म करने के लिए यहाँ पर हमने ली है एक बड़े साइज़ की कढ़ाई, उसमें थोड़ा पानी डाल लेंगे और एक स्टैंड रख देंगे जिस पर हम बाद में ढोकले वाला बर्तन रखेंगे। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ढोकला तैयार होने में कम से कम 15-20 मिनट लगते हैं, तो एटलीस्ट उतना पानी ज़रूर लें जो कि इतने टाइम में एकदम सूख ना जाए। तो हम इस पानी को ढक के रखेंगे और जल्दी से बॉयल कर लेंगे। तो जब तक पानी बॉयल होता है, तब तक हम तड़का तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर लिया है एक पैन, और इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच तेल। यहाँ पर हमने रिफाइंड ऑयल लिया है, और क्योंकि हमने रिफाइंड ऑयल लिया है तो इस तेल को बहुत ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा गर्म करेंगे। तेल गर्म होने पर सबसे पहले हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच राई। ज़रा ध्यान रखें, ये राई के दाने उछलते बहुत हैं, तो बी सेफ। इनका ज़रा सा रंग बदल जाए तो उसके बाद हम दो हरी मिर्च ले लेंगे, उनको थोड़ा सा लंबा लंबा काट लेंगे। तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं हरी मिर्च, और साथ ही इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ते। यहाँ हमने फ्रेश कड़ी लीव्स लिए हैं, तो 10 से 12 पत्ते आप इसमें डाल सकते हैं। एक बार इन सबको मिक्स कर लें, और फिर हम इसमें डालेंगे पानी। हम यहाँ पर दो कटोरी पानी ले रहे हैं, अगर बाद में कम लगे हम थोड़ा और ऐड कर लेंगे। फ़िलहाल हमने यहाँ पर दो कटोरी पानी लिया है। इनको एक बार मिक्स कर लें और पानी को हम बॉईल करेंगे। साथ ही टेस्ट के लिए हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक और एक छोटा चम्मच चीनी। अब इस सारे मिक्सचर को एक बार स्टर कर लेंगे और पानी को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। इस मिक्सचर को हम 2-3 मिनट तक बॉईल करेंगे ताकि एकदम पानी जैसा ना लगे, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि एकदम चाशनी जितना गाढ़ा भी नहीं करना है, बस हल्का सा गाढ़ा करना है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा मिक्सचर काफ़ी बॉईल हो चुका है, तो अब हम इसे साइड में रख देंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें मिक्सचर को एकदम ठंडा भी नहीं करना है और एकदम गर्म गर्म भी यूज़ नहीं करना है। तो इसको हम थोड़ी देर तक साइड पर रख देंगे, और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम अपना बैटर से ढोकला तैयार करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं बैटर को, जिसे रेस्ट करते हुए लगभग 20-25 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए बैटर, इसे हम थोड़ा सा फेंट कर देखेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहले से थोड़ा सा घना हुआ है।
तो इसे हम कुछ सेकेंड्स के लिए अच्छे से फेंटेंगे एक ही डायरेक्शन में, ताकि इसमें थोड़ी सी और फ्लफिनेस आए, ताकि ढोकला लाइट और स्पॉन्जी बने। उसके लिए अब हम इसमें ऐड करेंगे इनो फ्रूट सॉल्ट। यहाँ पर हमने लिया है आधा छोटा चम्मच इनो और कुछ बूंद पानी के हम डालेंगे और इसे फटाफट से पूरे बैटर को विस्क कर लेंगे। यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि बहुत ज़्यादा विस्क अब हमें नहीं करना है। हम फटाफट से कुछ सेकेंड्स के लिए इसको अच्छे से विस्क करेंगे और एक ग्रीस्ड टिन में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बैटर को हमने ट्रांसफ़र कर लिया है एक एल्युमिनियम टिन में, जिसे हमने अंदर से ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया था। अब हम इस टिन को 4-5 बार टैप कर लेंगे ताकि बैटर थोड़ा सेट हो जाए। तो चलिए ज़रा हम चेक कर लें जो पानी हमने बॉयल होने के लिए रखा था। ये देखिए, इसमें तो बहुत अच्छे से स्टीम अब बन रही है। तो अब हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा कम करेंगे ताकि ये स्टीम हमारे हाथों को नुकसान ना पहुँचाए, और बैटर वाले टिन को हम इसमें बहुत ही केयरफुली ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पर ध्यान रहे कि हमें बैटर वाले बर्तन को डायरेक्टली पानी में नहीं छोड़ देना है, हमें इसे किसी स्टैंड के ऊपर रखना है ताकि वो बर्तन थोड़ा सा स्टेबल रहे। अब हम इसको ढक देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर कम से कम 15 मिनट तक पकने देंगे। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब हम इसे ढक रहे हैं तो हल्की सी स्पेस उसमें छोड़ दें ताकि एक्सेस स्टीम अंदर ना बन जाए। लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं कि ढोकला तैयार हुआ या नहीं। तो यहाँ पर हम नाइफ़ की हेल्प से चेक करेंगे, बैटर के सेंटर में इंसर्ट करेंगे क्योंकि सेंटर से पकने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम यहाँ पर नाइफ़ को सेंटर में इंसर्ट करेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर अभी बैटर थोड़ा सा लगा हुआ है, इसका मतलब ढोकला अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है। तो हम इसको लगभग 10 मिनट के लिए ढककर और पकाएंगे। तो चलिए फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि ढोकला अभी भी रेडी हुआ या नहीं। तो उसके लिए हम सेम वैसे ही करेंगे, फिर से नाइफ़ सेंटर में इंसर्ट करके चेक करेंगे। तो जैसा कि अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नाइफ़ सेंटर में इंसर्ट करने पर बाहर एकदम बिल्कुल ड्राई निकल कर आया है, कोई भी बैटर इस पर चिपका नहीं है। तो इसका मतलब ढोकला अब रेडी है। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि जो ढोकला है उसने बर्तन की साइड्स छोड़ दी हैं, तो ये भी एक तरह से एक निशानी होती है कि ढोकला रेडी है। तो अब हम गैस को बंद करके ये बर्तन बाहर निकाल देंगे और इसको कुछ देर के लिए, लगभग 10 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने देंगे, क्योंकि एकदम गरम गरम बाहर निकालने से ये टूट सकता है। तो लगभग 15 से 20 मिनट के बाद ढोकले का बर्तन अभी थोड़ा ठंडा हो गया है। तो अब हम ढोकले को बाहर निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम नाइफ़ की हेल्प से साइड्स को अच्छे से सेपरेट कर लेंगे ताकि ये निकलते वक्त टूटे ना। सभी साइड से सेपरेट होने के बाद अब हम इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और बहुत ही केयरफुली इसको फ्लिप करेंगे। उसके बाद हम इस बर्तन पे धीरे धीरे थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि वो बेस को भी छोड़ दे। बहुत ही ध्यान से हम बर्तन को हटाएंगे ताकि ढोकला हमारा टूटे ना। और अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। तो इसके लिए हम इसके ऊपर दूसरी प्लेट रखेंगे और फिर से फ्लिप करेंगे, और ये लीजिए, ढोकला इज़ रेडी। तो चलिए अब हम ढोकले के पीसेस कर लेते हैं। तो नाइफ़ की हेल्प से हम इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कट करेंगे। आपको ढोकले के पीसेस कितने बड़े या कितने छोटे चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप कट करते टाइम बीच में उतना उतना गैप छोड़ सकते हैं। ढोकले के पीसेस कट करने के बाद अब जो हमने तड़के वाला पानी तैयार किया था वो भी अभी ठंडा हो चुका है, तो अब वो हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। अच्छे से पूरे ढोकले पर स्प्रेड करना है, और एक्स्ट्रा पानी भी हम इसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जब हम इसे थोड़ी देर तक रेस्ट करने के लिए रखते हैं तो क्योंकि ये काफ़ी लाइट और स्पॉन्जी होता है तो ये उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट और अच्छा बनता है। तो हम अच्छे से इसको सारे ढोकले पर स्प्रेड करेंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी भी डाल देंगे। अब हम इसको थोड़ी देर फ्रिज में लगा देंगे, क्योंकि ढोकला थोड़ा सा ठंडा खाने में मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं लेकिन गर्म भी नहीं खाया जाता। तो हम इसे लगभग आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। सो फाइनली हमारा ढोकला रेडी है और इसे खाने के लिए हम भी रेडी हैं। तो हमने तो इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है और हम इसे फटाफट से खाने वाले हैं, और आप
आपके लिए हमने रेसिपी शेयर कर दी है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और ये कैसा बना और आपको कैसा लगा हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम जल्द ही हाजिर होंगे एक और कुकिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।